नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 में आपके साथ नाजिया। फरीदाबाद सेक्टर 9 में रोजाना की तरह जिम जाते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वरिष्ठ नागरिक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विकास को सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या में शामिल बदमाशों का पुलिस अभी कोई पता नहीं लगा पाई है। बताया जाता है कि हत्यारे एक कार में सवार होकर आए थे, उसमें से दो हथियारबंद बदमाश विकास चौधरी की कार पार्किंग में लगते ही उनके पीछे अपनी कार लगाकर उसमें से दो बदमाश उतरे और उन्होंने विकास चौधरी के ऊपर करीब करीब 12 राउंड फायरिंग की तथा फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में दो हमलावर विकास पर गोलियां चलाते दिखे। विकास की गर्दन और छाती पर गोलियां मारी गई हैं। इसके साथ ही चार गोलियां उनके कार के शीशे पर भी लगी हैं। दोनों हमलावर सफेद रंग की SX4 गाड़ी से आए थे। पुलिस ने गाड़ी और हमलावरों की तलाश के लिए टीमें लगा दी हैं। देखिए, हमारे साथी हैं, हमारे प्रदेश में प्रवक्ता हैं। सुबह 9:02 पे अपने घर से 700 मीटर दूरी पे जिम पर गए और तीन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करी और पूरी प्लानिंग के साथ उनकी हत्या कर दी गई। तो सर, ये कितने बजे की घटना है? सुबह 9:02 की। 9 बजे तो अकेले थे, साथ में और भी था? नहीं, अकेले थे जी। अभी जैसे सौरभ जी ने बताया कि शहर में दहशत का आलम है। पिछले 3-4 दिनों से 3-4 मौतें हो रही हैं। अभी ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी की बात थी कि उन्हें पता ही नहीं है दुर्घटनाओं का और सोची समझी साजिश के तहत एक युवा नेता के साथ ऐसा हुआ है। मैडम, कानून व्यवस्था है नहीं जी। प्रदेश में, शहर में, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में हालात ऐसे हो रखे हैं कि शरीफ लोगों का जीना दुर्व्यवहार हो गया है। एक अच्छा हमारा साथी था, हमारा नेता था, युवा नेता था, लोगों के दिलों पे राज करता था, बहुत अच्छा इंसान था और उसके साथ ऐसे हालात किए हैं। यही पता नहीं है कि भाई किसी की सुरक्षा सेफ्टी सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मस्त हो रखी है सरकार, किसी का कोई मतलब नहीं। हम इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे ताकि खट्टर साहब की नींद खुल जाए और इस प्रदेश की जनता को इंसाफ मिले। विकास हमारा भाई बहुत अच्छा इंसान था, हमारा साथी था और गरीबों का हितैषी था। उसके साथ बहुत जास्ती और गलत काम हुआ है, जिसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ आक्रोश है और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को कि जो ये हालात हैं इससे हम अवगत कराना चाहते हैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हम सरकार को इस मामले में उखाड़ फेंकेंगे। हम प्रदेश पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसके पूरी तरह से हम खिलाफत में रोड़ों पे आएंगे। देखते हैं जब तक कि, और उम्मीद करते हैं सरकार से कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और उनको पकड़ा जाए तुरंत। हम सरकार से उम्मीद करते हैं आपके माध्यम से। तक तो देखो, अभी सरकार सख्त तो एक नेता का, जब नेता का किसी से अभी किसी दुश्मनी तो है नहीं। अभी एक कैसे हुआ है, क्यों आए, तो पुलिस बताएगी मेरे हिसाब से परिवार का। और अभी हम तो उनके साथ ही हैं, कोई शक तो है नहीं। बाकी परिवार से अभी बात करेंगे, कोई शक है तो परिवार बताएगा अभी। तो फिलहाल पुलिस वालों का इस मामले में क्या कहना है? हाँ जी मैम, सॉरी, पुलिस वालों का इस मामले में क्या कहना है? पुलिस वाले तो कह रहे हैं अभी पकड़ते हैं, कानूनी अभी कार्रवाई करते हैं, लेकिन पुलिस तो मस्त है। पुलिस का क्या मतलब है? पुलिस मस्त है। पुलिस अगर ध्यान से इस काम को, ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश करे, एक आम शहरी नागरिक का जीना दुर्व्यवहार हो गया है। कोई आज शहर में मेरी इतने लोगों से बात हुई है, इतनी दहशत है, इवन कि इंडस्ट्रियलिस्ट राजनीतिक लोगों में इतनी दहशत है कि कुछ भी हो सकता है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। देखो, सरकार की ये विफलता है, सरकार को देखना चाहिए इस मामले में। ये तो सरकार की विफलता है, बीजेपी सरकार की विफलता है। देखना चाहिए कि भाई आम नागरिक की हत्याएँ हो रही हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है। सरकार का जिम्मेवारी बनती है हमारी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, प्रदेश की जनता की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो सरकार को देखना चाहिए कि भाई ऐसे हालात ना हो। लेकिन ये तय है कि लोगों में इतनी अंदर से घबराहट है कि भाई कुछ भी हो सकता है किसी इंसान के साथ भी। तो हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं भी सरकार सुनिश्चित करे आम जनता की, आम आदमी की, नागरिक की सुरक्षा, सुरक्षा की गारंटी ले। सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि सरकार अपना काम करे और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो इस तरह के लोग कर रहे हैं, और जो इस तरह के लोग हैं, सामाजिक तत्व, उन पर कड़ी निगरानी रखे।
सरकार की ड्यूटी बनती है, जिम्मेवारी है उनकी। ये फरीदाबाद में बिगड़ती कानून व्यवस्था का आईना है। पिछले कुछ दिनों से शहर में चाकूबाजी, गोलीबाजी जैसी अनेकों घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। ऐसा लगता है सरकार प्रदेश की कट्टर सरकार हो चुकी है। एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या हो जाना और फरीदाबाद की पुलिस तथा सरकार का मूक दर्शक बने रहना, ये शर्मसार करता है। आखिर कब तक गुंडों का गुंडाराज कायम रहेगा? आखिर कब हरियाणा की सरकार अपनी नींद से जागेगी और फरीदाबाद में हो रहे गुंडाराज पर काबू कर पाएगी? इस मामले से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। धन्यवाद।